दोस्तों YouTube तो हर कोई चलाता है, लेकिन YouTube का एक ऐसा ट्रिक आज तक अभी तक 99% लोग नहीं जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड, YouTube आप प्रतिदिन चलाते होंगे, लेकिन इस ट्रिक के बारे में आज से पहले आप लोगों को नहीं पता होगा। वह ट्रिक कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं YouTube को जब ओपन करता हूँ और मान लीजिए हम YouTube पर आते हैं और किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं, या मान लीजिए हम किसी भी सॉन्ग गाने को सुनते हैं। मान लीजिए दोस्तों हम इस गाने को प्ले कर दिए और जैसे ही हम अपने इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि YouTube का गाना जो है चलना बंद हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आप किसी भी YouTube को गाने को या वीडियो को प्ले करेंगे और जैसे ही कट करेंगे तो वह गाना और वह वीडियो चलना बंद हो जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अपने बैकग्राउंड के अंदर में आप YouTube का गाना भी सुनेंगे और साथ ही साथ आप अपने WhatsApp पर आकर किसी के साथ चैटिंग भी करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आपका कोई फेवरेट गाना है और आप YouTube पे चला देते हैं तो वह गाना भी आपका बैकग्राउंड में चलता रहेगा, म्यूजिक भी सुनाई देगा और साथ ही साथ दोस्तों आप WhatsApp पर किसी के साथ में चैटिंग या फोटो वीडियो भी सेंड करेंगे और YouTube का मजा भी लेते रहेंगे। तो फ्रेंड, यदि आप नहीं जानते हैं कि यह सब कैसे होगा तो उसके लिए हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। यदि एक बार इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस ट्रिक के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फ्रेंड, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक्निकल ब्रांच। दोस्तों, इस ट्रिक को सीखने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ यहाँ पे घंटी का बटन है, इस घंटी के बटन पर दबा के ऑल के ऊपर में क्लिक कर देना है ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड, इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके से आप बैकग्राउंड में YouTube का म्यूजिक भी चलाएंगे और साथ ही साथ WhatsApp पर आप चैटिंग भी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने YouTube पे आना है। YouTube पे आने के बाद में आपको यहाँ पर अपने हिसाब से एक म्यूजिक को चला लेना है। तो मैं अपने हिसाब से NCS का इस म्यूजिक को चलाने वाला हूँ। तो मान लीजिए मैं इस म्यूजिक को पहले चला लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस म्यूजिक को चला दिया है। तो अब आपको क्या करना है कि इस म्यूजिक पे क्लिक करना है और ये जो बटन है इसको आपको थोड़ा सा इधर की ओर बढ़ाना है। ध्यान से देखिए, यानी गाने को आपको आगे की ओर बढ़ा देना है और गाने को यहाँ पे बंद कर देना है। बंद करने के बाद में इस गाने को आपको इस तरीके से नीचे की ओर लाकर छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक शॉर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। ध्यान से देखिए, इस शॉर्ट्स के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों शॉर्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। आपको इस शॉर्ट वीडियो को पूरा देखना है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, इस शॉर्ट्स वीडियो को आपको पूरा देखना है जब तक ये खत्म ना हो। तो मैं पूरा देख लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस शॉर्ट वीडियो को पूरा देख लिया। तो इस बटन पे आपको क्लिक कर बैक हो जाना है और आपको इसी म्यूजिक को आपको इस तरीके से ऊपर की ओर फिर से ले जाके रख देना है और जहां आप इस गाने को आगे बढ़ाए थे इस गाने को आपको फिर से पीछे की ओर ले जाना है। ले जाने के बाद में आपको फिर से इस गाने को प्ले करना है। मैं आवाज को बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। अब आप यहाँ से कट कीजिए। देखिए, अब मैंने यहां से कट किया तो यह गाने का आवाज जो है नहीं कटा। अब मैं अपने WhatsApp पे जाता हूं। अब देखिए, मैं WhatsApp पे चला गया और जाने के बाद में अपने फ्रेंड के साथ में मान लीजिए मैं यहां पर अब कोई चैटिंग भी करूंगा, फोटो वीडियो कुछ भी यहां से भेजूंगा, लेकिन YouTube का जो म्यूजिक है बैकग्राउंड में सुनाई देता रहेगा। आप देख सकते हैं कि मैं किसी भी एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ लेकिन YouTube का जो म्यूजिक है हमें सुनाई दे रहा है। तो इसी तरीके से आप किसी भी गाने को प्ले कर कर आप बैकग्राउंड में YouTube का म्यूजिक भी चला सकते हैं, WhatsApp भी यूज कर सकते हैं, Facebook भी यूज कर सकते हैं। अब रह गई बात कि इस गाने को हम कैसे बंद करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि YouTube पर जाकर इस गाने को हम बंद कर दें तो दोस्तों यह गाना जो है देखिए बंद नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है और देखना है कि बैकग्राउंड में YouTube कहाँ है, उसको आपको यहाँ से हटा देना है। इतना सा काम आपको करना होगा तो आपका जो YouTube का म्यूजिक है बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने YouTube म्यूजिक को बैकग्राउंड में चलाने के साथ साथ किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड, इसी जानकारी के बारे में हम आप लोगों को बता रहे थे। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।